बॉलीवुड में लोग जाति पाति और धर्म को उतना तवज्जो नहीं देते हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे खान के बारे में जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। सपनों का शहर मुंबई, जो कि 24 घंटे जागती है, यहाँ जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है बॉलीवुड इंडस्ट्री। इस चकाचौंध के शहर में लोग ज्यादा फिल्मों में काम करने को आते हैं, फिर उसी में से कुछ सितारे बन जाते हैं तो कुछ सपनों की दुनिया में ही खोए रहते हैं। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में लोग जाति पाति और धर्म को उतना तवज्जो नहीं देते, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के 10 ऐसे खान के बारे में जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की और एक हिंदी फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले अभिनेता शाहरुख खान ने भी लव मैरिज की है। उनकी पत्नी का नाम गौरी है, जो कि एक हिंदू परिवार से है। शाहरुख और गौरी को एक दूसरे का साथ पाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। शाहरुख ने गौरी के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए 5 साल तक हिंदू होने का नाटक किया। उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था। आखिरकार शाहरुख गौरी के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने में कामयाब हुए। कहा जाता है कि 26 अगस्त 1991 को शाहरुख और गौरी का निकाह पढ़वाया गया। इस दौरान गौरी का नाम आयशा रखा गया। 25 अक्टूबर 1991 में हिंदू रिवाजों के साथ शाहरुख और गौरी की शादी कराई गई। इस दौरान शाहरुख हाथी पर अपनी दुल्हनिया गौरी को लेने आए थे। शाहरुख खान के 3 बच्चे हैं, बेटी का नाम सुहाना खान और 2 बेटे आर्यन और अब्राम है। बॉलीवुड के फेमस अभिनेता आमिर खान ने 2 शादियां की हैं। पहली शादी उन्होंने रीना दत्ता से की। शादी के 16 साल बाद 2002 में आमिर ने अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता को तलाक दे दिया और तलाक के 3 साल बाद दूसरी शादी किरण राव से की। ये दोनों ही हिंदू परिवार से हैं। दोनों का एक बेटा आजाद राव खान है। पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी है जिसका नाम ईरा खान और बेटे का नाम जुनैद खान है। सलमान खान के छोटे भाई अरबाज खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की, जिनका नाम मलाइका अरोरा है। 5 साल तक मलाइका और अरबाज एक दूसरे को डेट करते रहे और फिर 12 दिसंबर 1998 को मलाइका और अरबाज ने पहले चर्च में शादी की और फिर निकाह किया। शादी के करीब 4 साल बाद मलाइका ने बेटे अरहान को जन्म दिया। साल 2016 में अचानक मलाइका का नाम एक्टर अर्जुन कपूर से जुड़ने लगा। दोनों को कई जगहों पर एक साथ देखा गया। वहीं अरबाज की अफेयर की कई बातें सामने आई। 2017 में मलाइका और अरबाज ने तलाक ले लिया। सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान ने भी सीमा सचदेव से लव मैरिज की है, जो कि एक हिंदू परिवार से है। 1998 में जिस दिन सोहेल की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या रिलीज हुई थी, उसी दिन इस कपल ने घर से भागकर आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। हालांकि दोनों के रिश्ते को बाद में घर वालों ने स्वीकार कर लिया था। सीमा और सोहेल के 2 बेटे निर्वाण खान और युहान खान हैं। बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान ने 2 शादी की है और दोनों ही पहली अमृता सिंह से और दूसरी करीना कपूर से, और ये दोनों ही हिंदू धर्म से है। सैफ ने करीना कपूर से पहले अपने से 12 साल बड़ी अमृता सिंह से शादी की थी। साल 2004 में पैसों और सैफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर हुए झगड़े की वजह से दोनों का तलाक हुआ था। इसके बाद करीना ने अपने से 10 साल बड़े सैफ अली खान से साल 2012 में शादी कर ली थी। साल 2016 में करीना कपूर ने तैमूर को जन्म दिया। सैफ और अमृता के दोनों बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम से भी करीना के अच्छे रिश्ते हैं। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान ने भी अवंतिका मलिक के साथ 2011 में लव मैरिज की है, जो कि एक हिंदू परिवार से है। इससे पहले दोनों ने करीब 8 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। मई 2019 से अवंतिका मलिक इमरान खान से अलग रह रही है। कपल की एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम इमारा मलिक खान है। बॉलीवुड के फेमस अभिनेता इरफान खान ने भी एक हिंदू लड़की के साथ लव मैरिज की है। उसका नाम सुतापा सिकंदर है। 1995 में इरफान ने अपने साथ NSD में पढ़ चुकी सुतापा सिकंदर से शादी की थी। इरफान और सुतापा के 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम बिबाल और छोटे बेटे का नाम अयान है। बॉलीवुड के फेमस अभिनेता रह चुके अभिनेता फिरोज खान के बेटे फरदीन खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की, जिनका नाम नताशा माधवानी है। फरदीन ने बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री मुमताज की बेटी नताशा माधवानी से शादी की। दिसंबर 2005 में जोड़ी का निकाह हुआ। इनके 2 बच्चे हैं, बेटी डायना और बेटा अजारियस।
फिलहाल फरदीन पिछले 8 सालों से ग्लैमर की दुनिया से दूर है। बॉलीवुड अभिनेता जायद खान का फिल्म करियर इतना अच्छा नहीं रहा है। कुछ फिल्मों में इनके अभिनय को पसंद किया गया था, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। आपको बता दें कि जायद खान ने साल 2005 में अपनी बचपन की दोस्त हिंदू परिवार की लड़की मलाइका पारेख से शादी की थी। मलाइका अब दो बेटों जिदान और आरिस के पेरेंट्स हैं। बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर कबीर खान ने मिनी माथुर से शादी की है, जो कि एक हिंदू परिवार से है। दोनों अब दो बच्चे विवान और सन्या के पेरेंट्स हैं।